सामने एक एलिफेंट है बिल्कुल, हम तो सीधा जाएंगे। और देखो लुक्का छिपी चल रही है बादल और सूरज की, तो धूप ना उस तरफ, इस तरफ भी पूरा झुंड है। वाह मजा आ गया भाई, क्या ग्रासलैंड हो भाई, उस तरफ कितने सारे एलिफेंट है, माय गॉड मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई, क्या ग्रासलैंड है भाई, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ढिकाला ग्रासलैंड, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ढिकाला ग्रासलैंड, मजा आ गया भाई, क्या सुंदरता है भैया, क्या सुंदरता है भाई, मैं इसको नहीं रोक सकता, जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता भाई इस चीज़ को, वाह मजा आ गया, मजा आ गया। बल्कि वहाँ पे जो सूखे पेड़ है ना, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी चलेंगे भाई, कितना तगड़ा ग्रुप है दोस्तों। ये देखो ये ढिकाला ग्रासलैंड की सुंदरता, कितने एलिफेंट है, मतलब इसमें 10-12-13 एलिफेंट हैं, उस तरफ भी 20-25 एलिफेंट हैं, और बाकी उस तरफ भी 4-4 ग्रुप बहुत सारे हैं। तो ये सुंदरता है जून की एलिफेंट्स की, वाओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या नज़ारा है। सो दोस्तों ये इस तरफ ही मूव कर रहा है राइट साइड को, अगर इस तरफ आएगा रोड पे तो हमें बहुत अच्छी साइटिंग हो जाएगी, वाओ मज़ा आ जाएगा। सो इधर ही रुकते हैं ना, इधर ही रुकते हैं, आ रहा है ये, वाओ वाओ। सो दोस्तों ये जो ग्रुप है ये मूव कर रहा है राइट साइड को, ये हमारी तरफ ही मूव कर रहा है, अभी देखना किस तरह से गुस्सा करेगा हमारे ऊपर, अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अमन भाई जो हैं अमन हॉस्पिटैलिटी के थ्रू ये हैं अभी, तो मज़ा आ रहा है, देखो इस तरफ ही आ रहा है हमारी तरफ ही, वाह हमें डराने की कोशिश कर रहा है, अच्छा ये लीडर है ना, फीमेल जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है ना, हाँ हाँ वो लीड करती है। वाह दिस इज़ द बेस्ट सफारी, पूरे पूरे ढिकाला में सबसे बेस्ट सफारी ये हो रही है, हमारे पास और कोई जीप नहीं है, और हम ही हैं यहाँ पे, और हमारे सामने 20-25 हाथी, आप पोजीशन होल्ड कर लो, ये ले सकती है इधर एकदम से भाग सकती है, हैं हाँ हाँ बस आप हाँ स्टार्ट मत करना, हमने पकड़ रखा है, स्टार्ट मत करना अभी, अगर ये पास से जाए ना तो जाने देना, हम कुछ नहीं कहेंगे। ओ भाई हमारी तरफ कैसे बढ़ रहे हैं भाई, ये भाई ये देखो हमारी तरफ कैसे बढ़ रही है पूरा तेजी से, और कुछ उधर को जा रहे हैं राइट को, भाई कोई और होता ना यहाँ पे हालत खराब हो जाती उसकी, बस 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 स्टार्ट रखना, चलाना मत स्टार्ट रखना, चलाना मत, बस 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 नहीं नहीं अभी मत चलाना। वाओ क्या आवाज है, क्या आवाज है, किस तरह से इधर आई, इसने देखा कि हम डर नहीं रहे हैं, हाँ थोड़ा सा बैक, चलो 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 भाई, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सफारी, ये देखो ढिकाला ग्रासलैंड, वाओ पूरा ग्रुप है एशियन एलिफेंट्स का, थोड़े वाइट होते हैं ये एशियन एलिफेंट, वाओ किस तरह से इसने चिंघाड़ा, बस बस ये देखो किस तरह से हमने हाँ ये लीडर है, किस तरह से ये लीडर हमारी तरफ आई और फिर वो चिल्ला के बच्चा भागा, फिर इस तरफ से ये कवर कर रही है हमें, ये देखो किस तरह से ये घास खा रहा है, और देखो अभी भी कवर कर रहे हैं, वो बच्चा माँ के साथ था पहले उधर गया फिर इसके पीछे आ रहा है, वाओ दिस बैक ले लो कोई नहीं बैक ले लो, अब बैक ले लो अगर पीछे भी आए तो बैक करके ही भगाना, चलो 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 बस 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 चलो 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 बस 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 अब ले लो आगे, अब ले लो आगे, बस यहीं रहने दो, अब आगे ले लो, स्लो स्लो चलना, बिल्कुल स्लो, बस बस रोक लो बस। ये बहुत प्यार करते हैं इंसानों से, ऐसा नहीं है कि ये बहुत माइंडेड होते हैं भैया, ये ना बहुत माइंडफुल होते हैं, ये ना गुस्सा नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, देखो दोस्तों किस तरह से महसूस कर रहे हैं, एक ग्रुप बल्कि उस तरफ से आया, नहीं नहीं खड़े रहो नहीं भैया, वाओ क्या आवाज है भाई, नहीं
नहीं नहीं नहीं भैया रुको, वाओ बस 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 पकड़ा हुआ है। ये कुछ नहीं करेंगे भैया, ये बहुत प्यार करते हैं इंसानों से। वाओ दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिकाला भाई, इसको देखने हम यहाँ पे आए हैं। ये देखो कितना खतरनाक ग्रासलैंड है, कितनी दूर तक बहुत आती हैं, अनेकों हजारों आती हैं आसपास। सिर्फ सुभाष चौधरी व्लॉग्स में आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे भाई। बाकी सब उस तरफ खड़े हैं, हमारे आसपास कोई जीप नहीं है। कुछ सांबर रोड गई हैं, कुछ ठंडी सड़क हैं जीप पर, हम अकेले हैं पूरे ग्रासलैंड में। वाओ वाओ बेस्ट, क्या व्यू है, क्या व्यू है। ये हथनी है, हम पे गुस्सा नहीं कर रही है बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रही है। इनको पता है कि जीप आती हैं यहाँ पे, टूरिस्ट आते हैं, और इनको पता है ये हमें हार्म नहीं करेंगे बिल्कुल भी। कितने आराम से खड़ी हैं, वाओ। और बीच में छोटे छोटे से बच्चे हैं जो कि थोड़ा सा बड़े हो चुके हैं, इतने भी छोटे बच्चे नहीं हैं कि उनको टाइगर मार सकें। अब इन बच्चों को टाइगर नहीं मार पाएगा। वाओ 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 क्या साइटिंग है भाई। बाकी वो जो माँ थी ना, वो लीडर, वो बच्चे को लेकर उस तरफ चली गई है। बाकी ये सब यहाँ पे खड़े हैं। विशाल का एक ग्रासलैंड, डिकाला का, जिसको बोलते हैं हम साउथ अफ्रीकन सफारी है। देखो साउथ अफ्रीका में इस तरह के ग्रासलैंड होते हैं, दूर से दूर तक दिखता है। हाँ सवाना ग्रासलैंड, सवाना, मसाई मारा, तंजानिया, वहाँ पे मिलते हैं इस तरह के ग्रासलैंड। और इकलौता लैंडस्केप है पूरे इंडिया का जो इतना बढ़िया लैंडस्केप है। इससे बढ़िया लैंडस्केप ना तो आपको रणथंभौर में मिलेगा, ना टडोबा में मिलेगा, ना कबीनी में मिलेगा, और ना काजीरंगा में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा इस तरह के वाइल्ड। मतलब ये जो लैंडस्केप है ना, मैंने इतने फोटोग्राफर से पूछा, इतने सब्सक्राइबर हैं मेरे, सब बोलते हैं दिस इज़ द बेस्ट। सर्दियों में तो भाई इस तरह से फोग उड़ता है यहाँ पे, दिस इज़ द बेस्ट। मज़ा आ गया भाई। देखो पीछे टाइगर बैठा है, वहाँ पे टाइगर बैठा है, टाइगर जो कि अंदर मूव कर गया, आ गया एलिफेंट है इतने सारे। अब थोड़ी देर इनको, इन्होंने हमें महसूस किया, इनको पता है कि अब देखो ये चल पड़े हैं उस तरफ। वाह वाह, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आगे झाड़ियां हैं, पेड़ हैं, बस चलते जाते हैं, हटाते जाते हैं। इनकी स्किन बहुत मोटी होती है, बहुत मोटी स्किन होती है। अभी मैं चिला में गया था, तो मैं वहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर गया था, तो मैंने इनको टच किया था। बच्चे की स्किन ऐसी थी कि जैसे तार, जो इनके बाल होते हैं ना, जैसे तार होते हैं, इस तरह से होते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, झाड़ी में चल रहे हैं, पेड़ में चल रहे हैं, इनको कोई काटा वाटा कुछ नहीं चुभता। तो अलग ही स्किन होती है भाई, वाइल्ड लाइफ है ये, भगवान ने इनको इस तरह से बनाया गया है। चलो अब बाकी तो ये खड़े हैं, चलो आगे चलते हैं। बाकी है, हाँ हाँ आगे चलते हैं, वो जो खड़ा है ना सिंगल, उस तरफ चलते हैं। चलो दोस्तों, ये जो सफारी आ रही है, ये जीप, ये कमर पट्टा से घूम के आ गई है। मुझे नहीं लगता कि इनको कुछ मिला होगा। अब ये यहाँ से राइट लेंगे या सीधा जाएंगे वो मेरे को मालूम नहीं है। ये बाकी इस तरफ ही आ रहे हैं, दोनों अभी यंग हैं, तो दोनों यहीं साथ में ही रहते हैं सर। अच्छा अच्छा, अरे लेफ्ट ले लो, जल्दी, वो उधर से क्रॉस हो रही है भाई। हाँ ले लो, आप ले लो, देखो भाई उस तरफ से क्रॉस हो रही है। ये है मोटा साल, इसको बोलते हैं मोटा साल। चलते रहो, सामने भी एक हथनी जा रही है अपने बच्चे को लेके मोटा साल पे। देखते हैं इसका क्या रेस्पॉन्स रहेगा हमें देख के। बच्चा सड़क पे चल रहा है, माँ इधर जा रही है। क्रॉस कर जाना, अगर आएगी तो फिर सीधा निकल जाएंगे, फिर वापस आएंगे घूम के बाद। बाकी ये रही, बस बस थोड़ा सा रोक लो। वाओ वाओ, कहाँ है? लेफ्ट से भी आ रही है। नहीं कहीं नहीं आ रही, आ रही है, मैं देख रही हूँ। आ रही है? हाँ। अरे वाह, फिर तो इधर ही खड़े हो जाओ। तो संदीप भाई ने बताया किस तरफ से, लेफ्ट से। हाँ वो रही आ रहा है। थोड़ा आगे लगा। नहीं, इधर ही ठीक है। इधर ही ठीक है। ये देखो ये आ रहा है, टस्कर है भाई। किस तरह से झाड़ियाँ, बस अभी खड़े रहो, अभी खड़े रहो। ये रहा, रुक जा, बैक कर लो जाए। ओ माय गॉड, देखा किस तरह से चिल्ला रहा है। हाँ तो थोड़ा आगे ले लो, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये क्रॉस करेगा, करने दो, यहाँ पर खड़े हो जाओ। सो दोस्तों, ये फेमस मोटा साल है डिकाला का, काफ़ी फेमस मोटा साल है। इस पर बिजली गिर गई थी, तो इसलिए जब से ये तबाह हो गया था। अभी ये जो टस्कर है ये यहाँ से क्रॉस करेगा, वो हथनी और बच्चे के पीछे जा रहा है, तो इसको क्रॉस करने दो, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
ये देखो ये आ गया, ये आ गया। नहीं 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ नहीं करेगा कुछ नहीं करेगा, बच्चा है बच्चा है। वाओ वाओ दिस इज द बेस्ट। अरे इसकी पूंछ में चोट लग रही है बेचारे की, इंजर्ड है पूंछ में चोट लग रही है। अच्छा जब इंजर्ड होता है अपने आप को हील कर लेते हैं ये? हाँ, मरेगा तो नहीं ना ये? पूंछ कट भी जाएगी तब भी नहीं। अच्छा अरे वाह थैंक गॉड, ये सुनकर सुकून मिला। अमन भाई ने बोला कि मरेगा नहीं, टाइगर ने अटैक कर दिया होगा, पूंछ खींच ली होगी तब ऐसा हुआ होगा। तो बाकी हम यहाँ से यूटर्न मारते हैं, वो तो संदीप भाई की वजह से। अरे वाह थैंक यू, आपने बोला एक और टाइगर वो आ रहा है एलिफेंट। अब आप हाँ अब यूटर्न ले लो, यूटर्न ले लो। तो संदीप भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे ढिकाला क्रॉसलैंड में? ऐसा लग रहा है कि ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ ऐसा? फर्स्ट टाइम है भाई, फर्स्ट टाइम। वर्थ है ना, वर्थ है ना, ये अलग ही दुनिया है ना, ये प्योर एकदम प्योर फॉरेस्ट है, प्योर फॉरेस्ट ये मुकाबला। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, द फर्स्ट इन इंडिया। और ये गिफ्ट है आप लोगों को जो सुभाष चौधरी ब्लॉग से जुड़े हुए हैं, मैं कभी भी आपको अपसेट नहीं करूंगा। चलो चलते हैं और चलते हैं आगे सफारी पे, मोटा साल से निकलते हैं। जब तक मेरे मोबाइल की बैटरी और मेमोरी साथ देगा मैं यहाँ पे जमा रहूँगा। वाओ ये तरीका होता है सफारी करने का, आज मैं खुल के सफारी कर पा रहा हूँ। मैं पता है जब दूसरों के साथ आता हूँ मैं सफारी नहीं कर पाता, आज मैं लीड कर रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है। बाकी एक जीप उधर चली गई है राइट में जहाँ मैं जाना था, तो वहाँ पर एलिफेंट राइट को मूव कर गए हैं। बाकी एक जीप वहाँ पर है देखो सामने, वो उस तरफ जा रही है। और ये अब एक काम करो सीधा ले लो, सीधा बिल्कुल सीधा ग्रुप इस तरफ है, वो रोड भी आएगा ना, सीधा ले लो, हमें इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ जाना ही नहीं है क्योंकि इस तरफ तो हम पहुँच नहीं पाएंगे ना उन तक। जा सकते हैं? अरे तो बहुत अच्छा व्यू आएगा, चलो तो आगे से नहीं जा सकते ना जहाँ से वो जा रही है, हम इधर से चलते हैं। चलो तो चलो 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 आज एलिफेंट सफारी करते हैं। चलो वेलकम टू सुभाष चौधरी ब्लॉग्स, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना क्योंकि मैं आज को निकाला मैं। सो भाई हमने यूटर्न ले लिया, आगे नहीं जा रहे क्योंकि वो एलिफेंट उधर पहुंच गए हैं, वहां तक हमारी जिप्सी नहीं जा पाएगी। बाकी हम अब उस तरफ से जाएंगे तो वो जिप्सी के पास उस तरफ एलिफेंट है, इधर चलेंगे। चलो चलो अब तेजी से ले लो भाई ग्रासलैंड, देखो ना मेरे को तो ऐसा मन कर रहा है फुटबॉल लेके, भाई यहाँ पे फुटबॉल की प्रैक्टिस करो, फुटबॉल लेके खेलो। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, क्या नज़ारा है। बल्कि आप नवंबर में आएंगे ना तो घास बहुत बड़ी मिलेगी आपको, अभी तो धूप पड़ रही है ना तो घास अपना देखो किस तरह से अपना अलग ही शेप हो गई है। भाई हम वापिस मोटा साल जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ ले लो मज़ा आएगा, ले लो। बल्कि इनके क्रॉस होने से पहले ही ले लेना, कोशिश करना इनके क्रॉस होने से पहले ही ले लें। चलो तो यहाँ से भी बहुत सारे एलिफेंट आ रहे हैं दोबारा से। बस इधर ही खड़ी कर लो, मेरे ख्याल मोड़ खड़ी कर लो मोड़ के। नहीं 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 ठीक है ठीक है, दोस्तों इस तरफ से आ रहे हैं कभी भी आ सकते हैं। सैंडविच ना बन जाए हमारा, आगे ले लो हैं। ये रहा इधर, ये रहा वो वापस भाग के भी आएंगे भाई। कैंटर भी आ रहे हैं, कैंटर सफारी वाले भी आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं हाथी को देखने। कैंटर इधर आया था मोटा साल पे, ये वापस चला गया है, ये भी हमारे चक्कर में आया था यहाँ पे कुछ दिख जाए क्योंकि हम यहाँ पे खड़े थे ना। अब कुछ एलिफेंट रह गए उस तरफ, वो भी क्रॉस होंगे तो उनको देखते हैं। सो दोस्तों मोटा साल से तो आगे हम इस तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे भी एक ग्रुप है जो कि क्रॉस करेगा, इसको भी पास से रिकॉर्ड करेंगे व्यू। बस इधर ही रोक लो और क्या, देखते हैं क्या करेंगे। ये भी यही स्ट्रेटजी भाई, जैसे हम इसके सामने खड़े हैं ना तो इनका जो लीडर है वो भी आगे आएगा हमें भगाने के लिए। देखो वो चल दी, वो चल दी, एक उस तरफ जा रही है बच्चों के साथ। बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत प्यारी हवा चल रही है, धीरे धीरे टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है क्योंकि 5 बजने वाले हैं। और एक जीप उस तरफ बहुत दूर से इस तरफ ही आ रही है, शायद वो भी है, और कुछ जीप
वहाँ पर खड़ी है बिल्कुल एलिफेंट के पास। ये देखो ये एलिफेंट खड़े हैं, यहाँ पे जीप खड़ी है, ये मुझे ले रहे हैं नहाते होगी, और बाकी एक जीप उधर से जा रही है, दूर से दूर तक आप देख सकते हैं कैंटर पे उधर ही जा रहा है। ये देखो कैंटर जा रहा है, एक बच्चा भी जंगल से निकल के आया सामने से। ये देखो हाँ, ये जो घास खाते हैं ना उसको पटक पटक के खाते हैं ताकि मिट्टी ना आए मुँह में। मिट्टी आना एक बहुत बड़ा सुकून है, मिट्टी किसी को भी नहीं चाहिए अपने मुँह में, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। देखो किस तरह से घास पटक पटक के खा रही है, इसको बोलते हैं हाथी घास, ये कभी नहीं ख़त्म होती, ये अपने आप उगती रहती है। हमारे जानने वालों ने रिश्तेदारों ने कुछ ने बो रखी है ये, मतलब हमारे गुरु जी ने बताई थी उनको, मेरठ में बो रखी है, फिर उधर हरियाणा में बो रखी है, या बोलो। और एक 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 घास हो रहे हैं उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी आ रही है आजकल, वो घोड़े वगैरह खाते रहे, वो बार बार उगती रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो अमन जी बता रहे हैं कि हंटिंग जो देखने को मिलती है यहीं पे देखने को मिलती है ग्रासलैंड में ज़्यादा, क्योंकि मान लो टाइगर भाग रहा है किसी तो पूरा दिखाई देगा हिरण को मारते हुए पकड़ते हुए। तो बाकी जो जोन है जैसे बिजरानी झिरना गर्जिया, उनमें हंटिंग नहीं देख पाते क्योंकि बहुत घने जोन है वो। ये देखो छोटा सा बच्चा किस तरह से कर रहा है खड़ी इसी की तरह, ये देखो हवा चल रही है, और ये ग्रुप अभी मूव करेगा उस तरफ, माता तो अपने बच्चे को लेकर उस तरफ चली गई, बाकी ये ग्रुप अभी मूव करेगा तो काफ़ी अच्छी साइटिंग होने के चांसेस हैं। हवा देखो कितनी प्यारी चल रही है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टिकाला। और अभी हवा की जो क्वालिटी है, जो हीट वेव थी थोड़ा सा कम हो रही है कहाँ। सो दोस्तों जंगल से और ग्रुप आ गया है निकल के, हो सकता है ये मूव करे तो ये भी मूव करे। भाई ये एक दिन में कितना खा लेते हैं? मैक्सिमम खा लेते हैं 150 to 200 kg, 150 से 200 किलो खा लेते हैं मेरे ख्याल से। ये खाते रहते हैं और निकालते रहते हैं, ये इनके बारे में 60% वेस्ट कर देते हैं। 60% मतलब गोबर इन्हें निकल जाता है, 40% इनका रक्त मांस मज्जा बन जाता है, माली है ना इसलिए। चलो इनको छोड़ के यहीं पे जाते हैं क्योंकि ये तो खड़े हैं, ये क्रॉस नहीं करेंगे, तो आगे जो फीमेल है बच्चे के साथ वो क्रॉस करेगी, तो उधर ही चलते हैं। ले लो ले लो ले लो, बस बस करने दो। सो ये मादा है जो क्रॉस करेगी अभी, बाकी जो भाई यहाँ से व्यू आ रहा है इन कार्स का और ग्रासलैंड का वो अद्भुत है, अद्भुत। बहुत समझदार जानवर है वाकई में भाई, बहुत समझदार जानवर, बहुत समझदार होते हैं ये। इसे क्रॉस करने दो कोई बात, चलो थोड़ा सा। भाई विस्पर कर रही है, जो थ्रम्पेट की साउंड होती है ना वाइब्रेशन, जाने 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 दो, जाने दो, कोई बात नहीं, जाने दो, जा सकते हो आप, जा सकते हो, जाओ जाओ जाओ। दोस्तों अभी उस तरफ ही चलते हैं, इधर से पूरा राउंड लगा के उस तरफ चलते हैं एलिफेंट के पास से, ये पूरा क्रॉस हो रही है जीप उधर, ये नज़ारा अद्भुत है।
वही तो। सो भाई जो हमारे ड्राइवर थे अमन, जिनको मालूम नहीं था किस तरफ से रिश्ते बनाए, क्योंकि एक महीने बाद आ रहे। और देखो इस तरफ, इस तरफ मानसून में बहुत पानी आ जाता है, सर्दियों में आओगे तो यहाँ पे पूरा पानी भरा रहता है, तो इस तरफ, लेकिन अभी पानी सूखा हुआ है ना, तो इस तरफ आ रहे हैं लोग और इस तरफ से ट्रैक बना हुआ है पूरा। चलो चलते हैं पूरा राइट में। वाह कितना बढ़िया ग्रासलैंड टाइप बना हुआ है यहाँ पे। अब हम इस तरफ से चलते हैं, इस तरफ से एलिफेंट के पास राइट ले लो। दोस्तों कालाघाट डैम का जो रिजर्वायर है उसका पानी यहाँ तक आ रहा है, मतलब ये रामगंगा नदी इसमें आके समा रही है यहाँ पे। और अभी देखो कितना कम पानी हो चुका है गर्मी में। अभी मानसून आ जाएगा 10-15 दिन बाद, फिर देखना आप लेवल इसका रामगंगा का, ये पूरा कवर हो जाएगा, पूरा डूब जाएगा। बाकी एक ग्रुप वहाँ पर है, 20-25 हाथी उसमें है, और एक ग्रुप यहाँ पर है, इसमें भी 30-35 हाथी हैं। और दूर से देखने में ऐसा लग रहा था पता नहीं जिप्सी वाले इतनी पास कैसे खड़े हैं। हम उस तरफ थे, उन जंगलों से निकल के आए हैं। अभी देखो कहीं पे छांव है, कहीं पे धूप है, क्योंकि ऊपर बादल आए हुए हैं कहीं कहीं तो। वाह क्या व्यू है, क्या व्यू है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ढिकाला। गंदे पड़े हैं पूरे मिट्टी में लोग। हाँ यहाँ पे काफ़ी कैंटर सफारी भी आई, यहाँ पे कैंटर भी आए, जीप भी आई, उन सब ने इनको देखा। कहाँ पर हो रही, कितना छोटा बेबी है भाई, मैं इसको दिखाता हूँ। देखो इससे छोटा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा हाथी का। ये देखो, ये देखो अभी हुआ है, ये कुछ एक महीने का होगा। ये देखो तब ये मूव करेंगे थोड़ा सा इस तरफ। हाँ वो देखो, वो देखो, बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा बच्चा है, क्यूट सा। पैरों के लेवल पे भी नहीं आ पा रहा भाई, ये पेट के भी नीचे छुपा हुआ है। ये देखो भाई हाथी का बच्चा ना, मेरे ख्याल से 18 महीने में होता है, कितने में होता है, 22 महीने में पैदा होता है। बहुत मुश्किल से ये बेचारे बच्चे पैदा होते हैं। ओ भाई ये टस्कर देखो, इतने बड़े दांत तो मैंने देखे नहीं किसी के। ओ भाई कितने बड़े दांत, इसको आइवरी बोलते हैं ना। हाँ काफी एजिड है हाथी, दांत भाई कितने बड़े दांत हैं। अच्छा वैसे क्या ये मर जाते होंगे अंदर ही, अंदर ही मर जाते हैं, जानवर खा जाते हैं, सब सफाई हो जाती है जंगल में, वो खा जाते हैं, वो जो रात को सियार आते हैं ना, वल्चर हो गए। देखो ना भाई इसके किस तरह से क्रॉस हो रहे हैं, देखो पूरे मिल चुके दांत, इतने बड़े दांत नहीं देखे मैंने आज तक आती है। और ये छोटा सा बच्चा देखो, देखो दोस्तों एक छोटा बच्चा वहां पर है, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रखा है। ये देखो कितना क्यूट है भाई, नन्ना सा, ऐसा लग रहा खेल लो इसको तो, इसको तो सब तक खेल लो, इसका नाम रखो। ये वाला तो बहुत छोटा है भैया, आपने पैदल जाओ, इनके बीच से निकल के जाना, उस रोड पे मिलना हमें भागते हुए। अरे बहुत तेज भागते हैं पता है, अलाओ छोड़ो बहुत तेज भागते हैं। हाँ 30-40 की स्पीड पकड़ते हैं, और जैसे आप भी मार देंगे तुरंत, आपका एक कदम आपके 10 कदम, इसका एक कदम। एलिफेंट मारते हैं सबसे बुरी, वो पैर पर सिर पर रख देते हैं, पैर कुचल देते हैं, फाड़ देता है, एक पूरा फाड़ देता है बीच से, बहुत बुरी मौत मारता है। और ये जो दांत दिख रहे हैं ना, दांत से पंक्चर कर देगा अंदर से ऐसे। देखो माँ भी अपने बच्चे को उस तरफ से लेके आ गई, जो रोड से क्रॉस नहीं हो रही थी ना, तो से मार मार के खा रहे हैं। अच्छा ये चीज चिल्ला रही है ना, क्यों भाग रही है, चिल्ला चिल्ला के वो भाग रही है, कोई कोई है भी नहीं उसके पास, फिर भी है? क्या
से मिलने के लिए आ रहे हैं ये। कुत्ती वो गुस्सा कर गया, गुस्सा कर गया एलिफेंट। ओ भाई भाई, ये जो मेल टच कर रही है कैसे गुस्सा कर रहा है इस पे, इसके बच्चे पे और माँ पे, दूसरे ग्रुप से आई है ना यहाँ पे अभी। कुत्ती री ये भी आगे मारने, क्या करेंगे इनका रेस्पॉन्स क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये दो बाहर से आए हैं, माँ माँ और बेटा। अच्छा इनके ग्रुप के नहीं है, बस ये बिगड़े रहना। भैया कह रहे हैं कि हम तो आगे, कंसंट्रेशन है हमारा, पता चला पीछे से कोई आ गया। कौन से, ये दूसरे ग्रुप के आए हैं ना, देखो किस तरह से इन्होंने इसको घेर लिया भाई। ये माँ और बेटा आए हैं अभी इनके साथ ना, ये वो कर रहे हैं तालमेल। किस तरह से देखो पूंछ से कुछ कर रहे हैं, देखो हाथ से वो पूंछ से वो सूंड से सूंड मिला रहे हैं। छोटा बच्चा भी आया इसका, और वो जब टस्कर आया था ना, जब ये नए आए थे तो टस्कर इधर आया था, फिर उधर जाके खड़ा हो गया। भाई लेह लद्दाख में जो सीन रोते रहता तो है ना, खदेड़ रहे भाई ने खदेड़ ही दिया इनको, तो कह रहे तुम बाहर जाओ, तो ये दोनों ना अलग हो गए जो उधर से आए थे। और ये टस्कर पता नहीं कहाँ जा रहा है, उनको कुछ बताने, कितने बड़े दांत हैं भाई इसके। इसकी कमर पे देख क्या हो रखा है ऊपर। हाँ कुछ अजीब सा हो रखा है, कुछ अजीब सा मिट्टी है, मिट्टी जम रखी है, ताकि वो ना काटे ना, मक्खी ना काटे, ठंडा भी रहता थोड़ा सा। हाँ भाई देखो उस तरफ से ना, ये सूरज के सामने बादल आ चुके ना, तो उस तरफ पूरा छाव हो चुकी जंगल में उस तरफ। व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। कितने लंबे लंबे कदम रख रही है भाई ये देखो, हमारे तो 3-4 कदम, इसके एक ही कदम है। धम 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 धम। इधर से क्रॉस होने की कोशिश कर रही है। बाकी ग्रुप उस तरफ ही क्रॉस हो गया, वो भागे भागे। निकल गए इस तरफ पानी पीने, और कुछ तो भाई उस तरफ ही जा रहे हैं जीप के पीछे, तो जीप फट चुकी है उस तरफ से, मुड़ गए राइट को, और यहाँ पर खेल खत्म। ये भी आएंगे, आने दो इनको। तरफ भी देखो वो ग्रुप, वहाँ जीप खड़ी है ना, देखो उस तरफ दूर जीप खड़ी है, और वहां से पूरा ग्रुप क्रॉस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस एरिया को हम लीव कर रहे हैं, बाय बाय टू दिस एरिया। अब चलते हैं सांबर रोड इस तरफ से। सारे
दोस्तों वापस ठंडी सड़क आ गए और ये लोग जब से यहीं पे खड़े हैं, लेकिन टाइगर मुश्किल है कि यहाँ से आया हो अभी, तो हम तो क्रॉस कर जाएंगे, यहाँ से सीधा निकल जाएंगे।